डू यू गाइज बिलीव इन घोस्ट्स? अगर करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्ल्ड की मोर देन 70% पॉपुलेशन बिलीव करती है दैट स्पिरिट्स ऑफ डेड पीपल एग्जिस्ट, और अराउंड 35% लोग तो ये भी कहते हैं उन्होंने भूत को देखा है। इनफैक्ट हजारों साल पहले से ही लोगों ने ये जानने की कोशिश करी है कि व्हाट कम्स आफ्टर लाइफ। मैनी पीपल बिलीव इन देम, लेकिन इसका क्या कोई प्रूफ है जिसे कंफर्म हो जाए इफ घोस्ट्स एग्जिस्ट? बफलो न्यूयॉर्क में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो निकल, जो पिछले 50 साल से इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। द वर्ल्ड्स ओनली फुल टाइम सैलरीड प्रोफेशनल साइंस बेस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आई एम लुकिंग टू एक्सप्लेन अ केस, नॉट डिबंक इट, नॉट प्रमोट इट, एक्सप्लेन इट एट वन टाइम और अनदर। आई हैव यूज्ड लिंग्विस्टिक एनालिसिस, आई हैव यूज्ड ब्लड पैटर्न एनालिसिस, साइकोलॉजिकल इनसाइट्स, नियरली एनीथिंग कुड बी यूज्ड इफ इट वुड इल्यूमिनेट अ पर्टिकुलर केस। तो इतने केस सॉल्व करने के बाद क्या इनको कुछ ऐसा दिखा जिससे इनको भूतों पे यकीन हो जाए? Not only have I never found a single case that I thought was proof of a ghost, neither has science. Not a single ghost or haunting has been authenticated by science. So as per science, ये भूत प्रेत स्पिरिट्स ये सारी चीज इमेजिनरी है, काल्पनिक है एकदम। लेकिन फिर भी दुनिया भर में हजारों लाखों लोगों ने ये क्लेम करा है कि उन्होंने भूत को देखा है या ऐसी स्पिरिट का अपने आसपास होना ये महसूस किया है। फिर एक उस लेवल के लोग भी हैं जो खुद ट्राई करते हैं भूतों से बात करना अलग अलग मींस को यूज़ करके, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। अगर सच में भूत होते हैं तो भाई वो इस तरीके की चीज़ें देख के सच में हंसते होंगे। अब बात करते हैं उन लॉजिकल रीजंस की जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि उन्होंने भूत देखा या उसे महसूस किया। देर आर प्लेंटी ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। पहला है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड ऐसी आवाज़ जो 20 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से कम की हो, जो कि ख़राब मौसम की वजह से हो सकती है, व्हेल्स में से आ सकती है, इंजन्स मशीनरी से भी आ सकती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर ह्यूमन इस तरह की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, ठंड में कांप भी सकते हैं, और ये भी लग सकता है कि कोई उनके आसपास मौजूद है। कुछ कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक ऐसा रोबोट घोस्ट बनाया है जो आपके फिंगर के मूवमेंट पे आपको पीछे से टच करता है कुछ डिले के बाद, जिसकी वजह से घोस्ट के वहाँ पे होने की सेंसेशन होती है। This time it really felt like I was playing with somebody, something. So it wasn't myself that was poking me in the back, but it was as if I was playing with an animal, a monkey that was poking me in the back or something like that. तो देखा कैसे दिमाग के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन उसे कुछ भी बिलीव करवा सकता है, और इस चीज़ को कहते हैं मिसपरसीव्ड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो चीज़ नहीं भी है उस पर यकीन कर लेता है, इनफैक्ट हमें भी यकीन करवा देता है कि सामने कोई भूत है। We can actually have people see ghosts, and those tend to be waking dreams that occur in the twilight between being fully asleep and fully awake. इस तरह के वेकिंग ड्रीम्स को स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे हम जाग रहे हैं बट वी कांट मूव आवर बॉडी। और साथ साथ बुरे और डरावने सपने भी आते हैं जिसकी वजह से भूत की प्रेजेंस महसूस होती है। घोस्ट्स के दिखने का एक और एक्सप्लेनेशन ग्रीफ भी है। एक स्टडी कहती है कि 6 out of 10 पीपल जब उनका कोई क्लोज मरता है तो दे सी द स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमारा एक चाहने वाला इतना दूर जा चुका है कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसके अलावा घोस्ट्स की स्पिरिट्स की प्रेजेंस महसूस होने के कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इन सब के बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। भूत प्रेत शायद नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी दिख नहीं सकता। हाँ भाई, तो हो गई वीडियो, और उम्मीद है पसंद आई होगी, कुछ अलग ट्राई करा है, और पसंद आई हो तो लाइक करना। बाकी नीचे जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, यार उसको भी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय।